राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिल्लूबास रामपुरा द्वारा ताल मैदान में आयोजित हो रही जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन रविवार को हुआ। जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 13 नवंबर से 16 नवंबर तक आयोजित होगी। 14 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग हैंडबॉल प्रतियोगिता में जिले भर से 13 टीमें हिस्सा ले रही है। जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच इसपाल सियाग ने की। मुख्य अतिथि CBEO अशोक पारीख थे। PEO राजेंद्र सारण मणिराम पुनिया ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में उद्घाटन मैच भोजासर छोटावर से शिमला के खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें भोजासर छोटा की टीम ने 15-0 से उद्घाटन मैच जीता। हैंडबॉल प्रतियोगिता में 13 टीमों के 156 खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए CBEO अशोक पारीख ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलों में आजकल बेहतर करियर का निर्माण हो रहा है। राजस्थान के पिछड़े जिलों से भी प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही है। प्रतियोगिता में विद्यालय स्टाफ से दुलाराम सारण, मोतीराम सारण, महेंद्र बेनीवाल, अर्जुन राम सारण, प्रताप बाम्बू, माला राम नायक, हरिराम मेघवाल, रजीराम मेघवाल, मोतीराम पुनिया, नरेंद्र सिंह, जगदीश सुतार, मालाराम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। हैंडबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम का संचालन अध्यापक नरसाराम प्रजापत ने किया। ये विभागीय स्तर पर हर साल बच्चों की जूनियर वर्ग की और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें से यहाँ पे जूनियर वर्ग हैंडबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी और चौथे दिन इस प्रतियोगिता का समापन होगा। 13 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और 156 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता ये जो विभाग द्वारा आयोजन किया जा रहा है, विद्यालय को जो दायित्व सौंपा गया है, तो मैं सभी अधिकारियों और विभाग के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सब मेरे जो साथी हैं कर्मचारी उनको धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद गांव को देता हूँ जो तन मन से मुझे सहयोग कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल बनवाने के लिए सबका सहयोग है। आज उद्घाटन था और उद्घाटन स्तर का जो पहला मैच था वो भोजासर छोटा ने अभी जीता है, विजयी हुई है और CBEO साहब ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। मणिराम जी पुनिया हमारे पर्यवेक्षक के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे और पहला मैच बहुत ही रोमांचक और